अभी यूनिवर्सिटी पटियाला पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स 50 मार्क्स है, एक्सटर्नल 35 है, ये वीडियो 35 दी होएगी जो थ्योरी मार्क्स होंगे, इंटरनल 15 मार्क्स ने, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, समझना जो भी कंटेंट है उसको अप्लाई करना, सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन ने, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ मीनिंग मैथ्स का तुम्हें पता है, रैशनल साइंस है, रीजनिंग डिवेलप करना मेन इज द पर्पज है, सो नेचर विच की लिखना है, एब्सट्रैक्ट है, रैशनल है, साइंटिफिक है, इवन नेचुरल साइंस नाल इंटरकोनैक्टड है, रिसर्च स्टैट विच सब साइंसिज की हेल्प करता है, हाइपोथेसिस टेस्ट विच उन्हां दी हेल्प करते हैं, क्रिएटिव है, मैथमेटिकल क्रिएटिविटी का कंसैप्ट जिहड़ा है लेटेस्ट रिसर्च उत्ते हो रही है उसकी नेचर नूं एक्सप्लेन करता है, इस तो इलावा इसकी लैंग्वेज जिहड़ी है यूनिवर्सल है ना, अक्रॉस द कल्चर अप्लाई हो सकता है, प्रसीजन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लई हेल्प करते हैं, ये सारिया जिहड़ियां पॉइंट्स ने नेचर दे विच इस तरह दे आ सकते हैं। इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू इन मैथमेटिक्स विच डेली लाइफ तो असीं शुरू करके कि डेली लाइफ च इंपॉर्टेंस है, तुसीं सब्जेक्ट्स नाल जोड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स नाल, रिसर्च नाल, स्टैट्स नाल, सो स्टैट्स तो चलो इसका पार्ट हो गया, जिहड़ियां बिजनेस है, कमर्स है, इकोनॉमिक्स है, रीजनिंग डिवेलप करता है, क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप करता है, लॉजिक दी एक्सरसाइज करवाता है, सो इस तरह दिया जिहड़े पॉइंट्स ने डिस्कस करने ने इंपॉर्टेंस वैल्यू दे विच, एग्जियम्स पोस्टुलेट अजम्पशंस हाइपोथेसिस इन मैथमेटिक्स ये तुहाडे जो कंटेंट का पार्ट है, हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट ऑफ नोटेशन एंड हाइपोथेसिस इन मैथमेटिक्स, इन्हें विच कंट्रीब्यूशन मेन मैथमेटिशियन जिमें रामानुजा है उन्होंने पॉइंट्स केड़े आ सकते हैं, डेसिमल सिस्टम सॉरी आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम जिहड़ा सी उन्होंने उसकी फाउंडेशन ले डाउन की, जीरो एज प्लेस होल्डर विच द कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमैट्री के कंसैप्ट इंट्रोड्यूस किया, इसने बाद विच इस्लामिक वर्ल्ड ते यूरोप विच भी इसकी नींह रखी, इसनों फैलाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ते काम किया आर्यभट्ट ने, इंटरस्टिंग है टाइम एंड एस्ट्रोनॉमी के जिहड़ी एक्यूरेसी कैलकुलेशन विच उसने हेल्प की, ईयर नूं कैलकुलेट करना, एक्सप्लेनिंग द अकरेंस ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स है ना, थ्योराइजिंग अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरी इंटरेस्टिंग, साइन टेबल है उसनों कंस्ट्रक्ट किया, इंडिकेटिंग द ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो फॉर वेरियस एंगल्स, फैसिलिटेटिंग द कैलकुलेट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी, वैल्यू ऑफ पाई है 3.1416 है ना, अलजैब्रिक कंसैप्ट जिहड़े ने उन्होंने कंट्रीब्यूशन है इन्हों की, रामानुज ने मड्यूलर फॉर्म्स है उन्होंने जोड़ा लेटेस्ट है थेटा फंक्शन और मड्यूलर इक्वेशंस है कंटिन्यू इन्फ्लुएंस कर रही है मॉडर्न मैथमेटिक्स नू, पार्टीशन फंक्शन है रामानुज स्टडी द पार्टीशन फंक्शन एक्सटेंसिवली, ही डिवेलप नॉवल मैथड टू कैलकुलेट द पार्टीशन ऑफ है ना, एक कंट्रीब्यूशन है नॉवल मैथड उन्होंने इनवेंट किया, इनफाइनाइट सीरीज discover the series rapidly covering the infinite series for various mathematic constants such as pi and number e, these series have practical application in numerical computation, elliptic functions de which contribution hai, congruence relation ch Ramanuj de premises na partitions of number, Ramanuj hardy number identified, so ye points bande ne मैथ्स वाले नूं तो मेरे ख्याल ज़्यादा ईजी लगते होने ने, इन्हां तो इलावा ने आर्यभट्ट, दूसरा इज हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट ऑफ नोटेशन एंड हाइपोथेसिस इन मैथमेटिक्स, ये थोड़ा जहा बोरिंग मेरे ख्याल तुहानूं लगेगा, हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट ऑफ नोटेशन एंड हाइपोथेसिस इन मैथमेटिक्स, ये तुसीं गल करनी है हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट की मैथ्स की हाइपोथेसिस की, एंशियंट मैथमेटिक्स 3000 BC तो 500 BC बेबीलोन की गल करनी है जिथे कि 60 पोजिशनल नंबर सिस्टम है ना चलता सी यूज हुंदा सी, ग्रीक मैथमेटिक्स 600 BC तो 300 CE तक ग्रीक उस लिड डिवेलप द जोमैट्रिक नोट
ट्रांसपोर्टेशन है, एग्जम्स इन वर्क लाइक एलीमेंट्स, ये इन्हों की गल पिछे कंट्रीब्यूशन भी करके हैं। मिडीवियल मैथमैटिक्स 500 CE तो 1500 CE तक इंडियन नंबर 6th-7th century विच इंडिया की कंट्रीब्यूशन जो खास करके पिछे गल करके आए हैं रामानुजन की जीरो की। इस्लामिक गोल्डन पीरियड 8वीं-14वीं century तक मैथमैटिशियन लाइक अल खराजमी लेड द फाउंडेशन फॉर अलजेब्रा। अर्ली मॉडर्न मैथमैटिक्स 16वीं-17वीं-18वीं century च अलजेब्रिक नोटेशन, 16th century विच एनालिटिकल ज्योमैट्री है ना, कैलकुलस 17वीं century विच न्यूटन की जो कंट्रीब्यूशन है डिस्कस होनी है। 19वीं century विच मैथमेटिकल रिगर मैथमेटिक लाइक ऑस्टियन ल्यूइस टोची कार्ल विजरसन इंट्रोड्यूस रिग्रस डेफिनेशन एंड प्रूफ्स। सो हिस्ट्री इस तरह डिस्कस करनी है, मेरे ख्याल में इतने नहीं होएगी ज़्यादा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये वही रह लेने जो असी उत्ते फीचर करके आए हाँ। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जे रैशनल है तो बच्चों की रैशनल थिंकिंग डिवेलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग अबिलिटी डिवेलप करना, उन्होंने ईवन अस्थैटिक सेंस न डिवेलप करना, उन्होंने ड्राइंग जो है उसनों स्किल यूज़ करना, प्रैक्टिकल लाइफ विच मैथ्स नू अप्लाई कर सकन, एबिलिटीज डिवेलप करना, क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग दोनों की गल तुसी लगातार किते भी कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ स्किल्स का भी पार्ट ने। सो एम्स इस तरह तुसी डिस्कस करने ने। ब्लूम्स दी टैक्सोनॉमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल टर्म। ब्लूम दी कॉग्निटिव डोमेन्स दी टैक्सोनॉमी दे 6 levels ने, ये ड्रा कर सकते हो इसके रिमैम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग अपलाइंग एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग ये लैवल ने। इन्हों एम्स ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव बनाने यूज कर सकते हो, उन्होंने हर लैवल के कुछ वर्ड दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रिमैम्बरिंगली एक्शन वर्ड है डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, लेबल लगाना, लिस्ट करना है ना, रिकॉल करना, रिसीट करना, रिपीट करना, सिलेक्ट करना, अंडरस्टैंडिंगली अच्छे शब्द जो याद कर सकते हो, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना, आइडेंटिफाई करना, रिसर्च करना, रिव्यू करना, समराइज करना, एप्लीकेशन लिए है अप्लाई करना, चेंज करना, कंप्यूट करना, डेमोस्ट्रेट करना, ड्रा करना, ड्रा करना ज़्यादा यूज हो सकता है, इल्यूस्ट्रेट करना लिस्ट नू, एनालाइजिंगली है कैलकुलेटिंग, क्लासीफाइंग, कंपेयरिंग, कंट्रास्ट डायग्राम है ना। सो ये थोड़े वर्ड तो याद करने पैने हैं, तो इन वर्ड्स नू लैके तुसी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मैथ से किसी टॉपिक नू टीच करन लई यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल तुसी ट्रायंगल ते रेक्टेंगल दा कंपैरिजन करना है, तुसी ऑब्जेक्टिव बना सकते हो कि आफ्टर टीचिंग डैश टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी, जो भी कंसैप्ट तुसी पढ़ाना है ना, स्टूडेंट विल बी एबल टू समराइज है ना द कंसैप्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू एनलिस्ट है ना द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर दो कंसैप्ट है ना, टू क्लासीफाई, टू कैटेगराइज, टू कैलकुलेट, टू ड्रा, इस तरह शब्द वर्तने ने। सो ये कोई टॉपिक जेड़ा जिससे थोड़ी मास्टरी है उससे तुसी ईजीली कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं पैडागोजिकल एनालिसिस, कुछ नहीं है थोड़े लैसन प्लैन के जो पार्ट है उन्होंने एनालाइज करना है, जे सब तो ईजी तरीके इस समझना है तो यही बचता है। उन्होंने स्टैप्स जोड़े ने नीड इंपोर्टेंस वो की बनती है पैडागोजी एनालिसिस दे, वो देख सकते हैं असं ब्रीफ दे। सो पैडागोजिकल एनालिसिस सिस्टमैटिक प्रोसैस ऑफ यूज बाय एजुकेटर टू इवैल्यूएट द इंप्रूव द टीचिंग मैथड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड लर्निंग मटीरियल्स। हुण इहदे विच एक गल याद रखनी है, ईजी है, यही पॉइंट बन जाने हैं। नंबर एक मैथड्स नूं इंप्रूव करना है, स्ट्रैटेजीज लर्निंग मटीरियल नूं है ना, विच एम्स भी आ जाने हैं। एग्जामीनेशन ऑफ वेरियस आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग टू एनहांस द एजुकेशनल एक्सपीरियंस हेयर। अच्छा सिंपल गल है कि तुसी अपनी टीचिंग नूं इंप्रूव करना चाहते हो तो तुसी उसका एनालिसिस करते हो, सब तो पहला वो कॉम्पोनेंट जान लेने जरूरी ने, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम।
ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਲੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਈਅਰੇਬਲ ਹੋਣ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਹੋਣ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਟੀਚ ਮੈਥ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਐਕੂਰੇਸੀ, ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਗੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੀਡਬੈਕ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਲਾਸਟ 'ਤੇ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੀਡ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਡ ਆਫ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਵਧੇਗੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਰਿਓਸਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਗਭਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵੇਨਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਥਸ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਜੈਬਰਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਨਗਰੂਐਂਟ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਰਕਲਸ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਹਾਈਟ, ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਬੋਆਇਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਲਸ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਆਇਜ਼ ਦੀ 40 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 48 ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਡਿਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਨ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ ਮੀਨ ਸਕੋਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਸਕੋਰ 2 ਓਵਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਮੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ 1 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ 2 ਆ ਗਈ ਹੈ ਐਰਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 8 ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਟੀ ਟੈਸਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ 4 ਆ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ 2.58 ਹੈ, 0.01 ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨਡ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਲ ਹਾਈਪੋਥਿਸਿਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਈਟਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ,
सो स्टैट द पार्ट है, टीचिंग एड एक्टिविटीज़ की है, टीचिंग एड्स फ्रॉम थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट क्रिएटिव वे ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल, प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन बैंक फॉर मैथमेटिक्स, गुड एक्सरसाइज, TET लिए तुहाडे लिए अच्छी साबित हो सकती है। बुक्स ने देखो जो सारियाँ पढ़नियाँ पढ़ सकते हो, एक्सटर्नल एग्जामीनेशन 35 की जी गल करके हैं, इंटरनल असैसमेंट 15 मार्क्स, अटेंडेंस 3 मार्क्स, वर्क असाइनमेंट प्रोजेक्ट रिस्पॉन्स शीट 6 मार्क्स, मिड टर्म एग्जाम्स हाउस टेस्ट है 6 मार्क्स। इंस्ट्रक्शन की है कि तुहाडे ABC 3 सैक्शन आने ने, तिना सैक्शन के विचों ये चेंज है याद रखना है। ये मैं दस दया कि इतने जाने हाँ ABC 12 का 1, 12 का दूसरा और दूसरा है 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के है। इधर जाके मैं दस दिना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कोल पेपर नहीं है, यूनिट 1 है ना, जिसना सैक्शन या यूनिट 1 है, ए है, फिर बी है ना, सी जड़ा है यूनिट नहीं है, इन्होंने दोनों के विचों आना है, ये विचों 2 क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन 1 ते क्वेश्चन 2, ये विचों 1 क्वेश्चन कर लिया, वो किन्ने मार्क्स का, तुहाडा 12 मार्क्स का। इस तरह बी सैक्शन चो 2 क्वेश्चन आए, उन्होंने विचों 1 क्वेश्चन कर लिया, 12 मार्क्स का है, 12 का हो गया। इदा ही सी सैक्शन इन्ह सारियां चो 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, ये हो गए 10 मार्क्स, है ना। एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिम्मे मल्टीपल चॉइस है, 1 मार्क्स का ही होएगा, वो हो गए 1, सो ये 11, 24 तो टोटल 35 थोड़े इस तरह बन गए। सो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का मैथमैटिक्स का पेपर जो मिलता है, पिछला पर पैटर्न चेंज हो चुका है, दैट इज़ वाई जी मैं पिछले जिस साल का पेपर मिलता है मैं पा देंगा। थैंक यू।